क्या 2019 चुनाव में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हार्दिक पटेल? क्या काशी में मोदी के खिलाफ हार्दिक को मिलेगा विपक्ष का साथ? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश के सबसे बड़े सियासी प्रदेश उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एक ओर जहां 2019 चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए एसपी बीएसपी ने गठबंधन किया है, तो वहीं विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में घेरने की रणनीति बनाने में जुटे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हार्दिक पटेल को उम्मीदवार बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि अगर सभी विपक्षी दल इस पर सहमत होते हैं तो पीएम मोदी के खिलाफ हार्दिक पटेल को संयुक्त उम्मीदवार के तौर पीएम के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे। सूत्रों की माने तो भले ही हार्दिक की बात कांग्रेस से नहीं हुई हो, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी संपर्क बनाए हुए है। हालांकि खुद हार्दिक पटेल ने ऐसी किसी भी संभावना से साफ तौर पर इनकार किया। हार्दिक ने साफ किया कि उनके वाराणसी दौरे के पीछे चुनाव लड़ने की सोच नहीं, बल्कि किसानों व गरीब तबके के लोगों से मिलकर उनकी स्थिति जानने और युवा किसानों के लिए कुछ करने की है। इस दौरान उन्होंने काशी में विकास के हवा हवाई दावों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो गरीब किसान और युवाओं की समस्या जानने समझने के लिए बनारस ही नहीं देश के हर हिस्से में जाएंगे। हार्दिक ने कहा कि देश भर में वाराणसी के विकास का डंका पीटा जा रहा है, लेकिन हमने जो देखा और पाया हकीकत कुछ और ही है। 4.5 सालों में केवल गड्ढे और जाम का ही विकास हुआ है। पाटीदार नेता ने कहा कि हम सत्ता के खिलाफ है। आगामी लोकसभा चुनाव में किस दल के साथ रहेंगे के सवाल पर हार्दिक ने कहा कि हर जगह अलग अलग मामला है, हम समस्याओं को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि हार्दिक पटेल काशी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।